नमस्कार दोस्तों, नॉलेज अप चैनल में आप सभी का स्वागत है। लेट्स लर्न टुगेदर। आज के वीडियो में हम लोग कर्नाटक के हुबली में स्थित इंडियन रेलवे हेरिटेज म्यूजियम देखने वाले हैं। हुबली कर्नाटक के प्रमुख शहरों में से एक शहर है। आज हम इस म्यूजियम का टूर करने वाले हैं। ये आप देख सकते हैं, ये अंदर देखिए आप, ये ट्रेन है। ये ट्रेन से आप कुछ पल का सफ़र कर सकते हैं। इधर सब बोर्ड है और ये मैप लगा हुआ है। ये पूरा म्यूज़ियम का मैप है। इसके बाद में यहाँ ये म्यूज़ियम का ओपनिंग कब हुआ उसका पूरा डिटेल है और इसमें ये सब रेलवे के जो पार्ट्स है, मशीन्स है, उसका पूरा डिटेल्स इसमें लिखा गया है। सब जगह वो इंस्ट्रूमेंट रख के उसका इंफॉर्मेशन साइड के बोर्ड पे लिखा हुआ है। यहाँ मेन दो स्टेशन ऐसे बनाए गए हैं, घटप्रभा और मलप्रभा। ऐसे स्टेशन जैसा एक दो ये बनाए गए हैं। जगह जगह बोर्ड पे सब इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है। ये सिग्नलिंग का है। ये देखिए इंटरलॉकिंग फ्रेम। ये बोगी आप देख सकते हैं। रेलवे से रिलेटेड जितनी भी तकनीकी जानकारी है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन यहाँ आपको मिल जाएगी। ये घटप्रभा स्टेशन है। स्टेशन के अंदर पूरा मैकेनिकल रूम ये आप देख सकते हैं। ये पूरा कुछ हिस्ट्री है, कुछ फोटोज है। घटप्रभा स्टेशन में पूरा रेलवे का हिस्ट्री बताया गया है। इसमें रेलवे के लोगोज है, हेरिटेज रेलवे लोगोज है। मेडिकल रूम है। ये देखिए पूरे लोगोज आप देख सकते हैं, इंडियन रेलवे के लोगोज। इसे पुराने इसमें कैसे थे, स्टेट वाइज स्टेशन वाइज अलग अलग ये लोगोज है। ये आप देख सकते हैं, रेलवे का बोध चिन्ह आप बोल सकते हैं। इस घटप्रभा स्टेशन में सिग्नल और टेली कम्युनिकेशन रूम भी दिखाई गई है। ये सब पुराने टाइप की घड़ियां हैं, ये आप देख सकते हैं। और रेलवे का डेवलपमेंट कैसे हुआ, पुराने जमाने में कौन सी टेक्निक थी, अभी कौन सी है, इसका भी थोड़ा बहुत जानकारी है। पहले के ज़माने में कोयले पे चलती थी ट्रेन, बाद में उसका इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया। ये फोटोज, पुराने फोटोज भी देख सकते हैं आप। ये म्यूजियम देखने के लिए लगभग 2 से 2.5 घंटे लगते हैं। जो भी पुरानी चीज़ें सबका इंफॉर्मेशन वहाँ लिखा हुआ मिलेगा। अगर आप हुबली जाते हैं तो इस म्यूजियम को ज़रूर भेज दीजिए।
रेलवे के रिलेटेड काफ़ी जानकारी आपको यहाँ मिलेगी। स्टेशन में यहाँ स्टेशन मास्टर रूम भी बनाया गया है, मेडिकल रूम भी है, और ये आप मॉडल देख सकते हैं, एक रेलवे स्टेशन का ऐसा मॉडल दिखाया गया है, एक रेलवे रूट का मॉडल। लगभग आसपास में कितना ग्रीनरी है आसपास में ऐसा दिखाया गया है, और ये रेलवे ट्रैक दिखाया गया है। ये देखिए, ये पूरे सिग्नलिंग सिस्टम का है, टेली कम्युनिकेशन सिग्नलिंग। पूरा इलेक्ट्रिक बोर्ड, मीटर बोर्ड सब है, सिग्नल सिस्टम है, पुराने टेलीफोन भी है। यहाँ जाने के बाद आपको ऐसा लगता है कि काफ़ी पुरानी चीज़ों से हम अवगत हो रहे हैं। ये पुराना टाइपराइटर आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये आप चेन देख सकते हैं। ये आप भी देख सकते हैं, ये अपना देश का मैप। इंडियन रेलवे कैरी 2.3 करोड़ पैसेंजर्स पर डे, मतलब एक दिन में 2.3 करोड़ पैसेंजर ट्रैवल करते हैं, जो कि लगभग ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन के बराबर है। मतलब एक ऑस्ट्रेलिया डेली इंडिया में ट्रेन में ट्रैवल करता है। ये देखिए, पुराने कुछ मॉडल्स पिक्चर्स हैं। ये आप इंजन देख सकते हैं। यहाँ एक छोटा ट्रेन है, यहाँ से आपको एक राउंड मार के आया जाता है। ये रेलवे म्यूजियम का एंट्री फी 20 रुपीज़ है। ये देखिए, अभी आपको राउंड मार के आ रहे हैं। यहाँ बच्चे काफ़ी एंजॉय करते हैं, क्योंकि ट्रेन एक अट्रैक्शन है उनके लिए। बाहर साइड में दूधसागर फॉल्स का वगैरह बोर्ड लगा हुआ है। ये एक प्लेटफॉर्म जैसा बना हुआ है। यहाँ एक
थिएटर भी है, यहाँ एक शो होता है, जैसे रेलवे का जो फंक्शनिंग है, जो रेलवे के प्रमुख कारागिर कैसे काम करते हैं वो दिखाए जाते हैं, और ये 15 मिनट का शो है। ये आप देख सकते हैं कि अब हम थिएटर में एंटर कर रहे हैं। ये देखिए, ये रेलवे के जो कारागिर है, कामगार लोग कैसे काम करते हैं उसका ये डिटेल दिया गया है, कैसे ट्रैक को मेंटेन करते हैं, कैसे साफ सफाई करते हैं, ट्रैक का रखरखाव कैसे करते हैं, ये सब बताया गया है। लाइनमैन, ये देखिए, ये लगभग 15 मिनट का एक शो है। ये थिएटर कोच है, इसमें ये शो होता है। ये रेस्टोरेंट कोच है, उस जब हम लोग गए थे उस समय ये रेस्टोरेंट कोच बंद था, अदरवाइज यहाँ अंदर में पूरा खाने पीने की चीज़ें मिलती हैं। ये आप नज़ारा देख सकते हैं पूरा म्यूज़ियम का। इस रेलवे म्यूजियम में आर्ट गैलरी भी है, अकाउंट रूम है, वेटिंग रूम है, स्टेशन मास्टर रूम है। ये देखिए, ये मलप्रभा स्टेशन का ये बनाया हुआ है, इसमें भी आप देख सकते हैं पुरानी काफी तस्वीरें हैं, आर्ट गैलरी है, पार्सल रूम है, उसके बाद अकाउंट रूम है, वेटिंग रूम है, स्टेशन मास्टर रूम है, पुराने काफ़ी फोटोज़ दिखाए गए थे। ये देखिए पूरा आर्ट गैलरी में रेलवे का जैसे जैसे प्रोग्रेस हुआ उसके हिसाब से ये फोटोज़ हैं। स्टेशन मास्टर रूम है, इधर आप देख सकते हैं। ये देखिए स्टेशन मास्टर का प्रतिकृति बनाया गया है। ये पूरा सिग्नलिंग का आप देख सकते हैं, सिग्नलिंग सिस्टम, ट्रैक का सिस्टम। इवेल्यूशन ऑफ लाइट्स, ये सब डिटेल इसमें आप देख सकते हैं। यहाँ आने के बाद आपको काफ़ी जानकारी मिलेगी, काफ़ी आपका नॉलेज बढ़ सकता है। पुराने टेक्निक, पुराने रेलवे का जो भी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किया था पुराना, उसमें कैसे वो लोग काम करते थे, वो सब डिटेल है। और हर चीज़ का जानकारी वहाँ लिख के लिखा गया है ताकि कोई
जिसको रेलवे के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है वो भी आके वो पढ़ के थोड़ा बहुत समझ सकता है। ये देखिए पार्सल का ये है, ये वेटिंग रूम का है, पुराने टाइप की कुर्सियां हैं। ये बुकिंग ऑफिस, ऐसे सबका अलग अलग प्रतिकृति बनाया गया है, ये देख सकते हैं अब समय सारणी और टिकट कितना है उसका भी एक चार्ट है। पुराने ट्रेन का टाइम टेबल और पुराने ट्रेन का टिकट का भी रेट लिखा गया है। ये पूरा आर्ट गैलरी आप देख सकते हैं और ये बाहर इंजन भी देख सकते हैं। ये बाहर में एक रेलवे कोच बनाया गया है। आप देख सकते हैं इसमें भारत के विभिन्न स्टेट का कल्चर आपको दिखेगा, अलग अलग पोशाकों में बैठे हुए लोगों की प्रतिकृति आपको यहाँ दिख सकती है। अलग अलग स्टेट के अलग अलग पोशाक पहने हुए लोग आप यहाँ आप देख सकते हैं। जो भारत के कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप जरूर कमेंट कीजिए। अगर पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साइड का बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर आप हुबली आते हैं तो ज़रूर इस रेलवे हेरिटेज म्यूजियम को भेंट दीजिए। आप नज़ारा देख सकते हैं म्यूजियम का। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।